एक व्यक्ति गया, भगवान शंकर का बड़ा नाम सुना था, दानी कहूं शंकर समनाही, सोचा उन्हीं से मांगेंगे। मांगने तो गया और जो शंकर जी का दर्शन किया, बिना मांगे लौट पड़ा वहीं से दूर से। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले हो ही क्या सकता है, जा रहे हैं, बड़ा नाम सुनकर आए थे कि यहां जो मांगो सो मिल जाता। शंकर जी ने कहा कि अभी मांगा कहां है तू? बोले हालत ही देखकर समझ गए क्या मांगे। अरे भवन की जाने दो, कपड़े भी नहीं, नगन मंगल को अब क्या मांगे। कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वह निराश होकर जाने लगा तो शंकर जी ने कहा मांगनो खांगनो देखी के नागो कहे। शंकर जी कहते हैं खांगनो देखी के नागो कहे, खांग रे खांग मांग रे मांग। पर एक शर्त है, क्या? जनी मांगिए थोरो, थोड़ा मत मांगना, जो मांग सको जितना मांग सको, दानी कहो शंकर समना है। भाग्य में न लिखा हो सुख तो शंकर भगवान दे सकते, भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी। अज ऐसी ऐसी युक्तियां, शंकर जी की बात चली थी, एक बात सुना, काशी में एक ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं, ब्राह्मण दंपति ने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, पुत्र ने। शंकर जी बोले पुत्र दो तरह के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र, किस तरह का चाहते हो? कुपुत्र की उम्र लंबी होगी पर जीवन भर दुख देगा, सुपुत्र की उम्र कम होगी पर तुम्हें सुख देगा। ब्राह्मण ने कहा सुपुत्र ही दे दो। अब शंकर भगवान ने कैसी परीक्षा ली, बड़ा अच्छा पुत्र होगा, 5 वर्ष की उम्र रहेगी। अंतर्धान हो गए शंकर जी। अब ब्राह्मण सुखी भी और दुखी, बालक का जन्म और उम्र पता थी इसलिए परेशान। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बालक की उम्र में 1 वर्ष शेष रहा। एक ज्योतिषी से पूछा कुछ हो सकता है? ब्राह्मण देवता ने कहा किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए। तो सिद्ध संत कहां मिले? ब्राह्मण ने कहा इस झंझट में मत पड़ोगे कौन सिद्ध है कौन नहीं है, तुम तो सबको सिद्ध मानना शुरू करो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, संत संत है ठीक है, और तुम सब में भगवान के भाव से प्रणाम कराओ। ब्राह्मण ने गंगा जी किनारे काशी में कुटिया बना ली, पुत्र को लेकर रहने लगे। जो रास्ते से निकलता बालक उसी को प्रणाम करता। नर नारी निकले जिते युवा वृद्ध अरु बाल, गो गज बाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत धरि धरि महिमे मात। हथेलियां कड़ी हो गई, सिर पर चिन्ह बन गया, लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग से ते ही मग सप्तऋषि की ओर प्रवेश, सप्तऋषि निकले। मुनिमंडल को महिमे पर के दुज बालक दंड प्रणाम किया, चिरजीवी भव चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद। सप्तऋषि बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी। ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े और ऋषियों से कहा करजोल पिता बोला किमी होंगे सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। 3 दिन शेष है,
सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जब ब्राह्मण बोला आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। ऋषियों ने कहा यह तो संतों की प्रतिष्ठा की बात है, आपस में सलाह की। ब्राह्मण से बोले तुम अपना बेटा आज ही हमें दे दो, कल्याण होगा इसका। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे, कुछ नहीं कहा। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने जैसे ही प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी भी बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सुनी ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और क्या बोले, सुनी ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है। सप्तऋषि बोले इस बालक की आयु में दो दिन शेष हैं। ब्रह्मा जी बोले हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, लेकिन आज हम मुक्त हैं। क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। तो सप्तऋषि झूठे ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले तो हमारी बात किसी तरह बनाओ। बोले आप ही बता, आप तो बुद्धि के देवता। ब्रह्मा जी बोले परिवर्तन हो सकता है। भावियु में टी सकई त्रिपुरारी, भावियु में भावियु में टी सकई भावी शंकर जी मिटा सकते हैं। कोई चलो तीसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी सप्तऋषि वह बालक शिवलोक में। प्रातः भगवान शंकर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी को प्रणाम किया और सबसे पीछे वह बालक भूतल परे उल्लकुटी की नानी। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो चिरंजीव सुत रहो। अब तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, कब हमें भी कोई डर नहीं। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। शंकर जी बोले बात क्या है, कहा आप जानो एक दिन बचा है इसकी उम्र में, एक दिन शेष है,
किसका बालक है? सप्तऋषियों। ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों से पूछो। सप्तऋषि बोले काशी के उस ब्राह्मण। शंकर जी बोले यह तो हमारे ही आशीर्वाद वरदान से दिया हुआ पुत्र है। ब्रह्मा जी बोले तब तो और बढ़िया बात बन गई। भाग्यो मेट सकहि त्रिपुरारी, काल से तो महाकाल ही बचा सकते हैं। करालम महाकाल कालम कृपाल। देवाधिदेव भगवान शंकर ब्रह्मा जी से सप्तऋषियों से बोले आप लोग जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिनु पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो, निश्चिंत रहो। बालक वैसे ही करता रहा। शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। समय हो गया था। भगवान शंकर ने देखा कि बालक घबरा कर शिवलिंग से लिपट गया। शंकर जी प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, हे देवाधिदेव महादेव, यह तो आपके ही विभाग की बात है, ये संहार विभाग तो आपका ही है, अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी आ गई। शंकर जी बोले क्यों? बोले आपने इसे कहा। यमराज बोले कि 5 वर्ष की उम्र आपने ही दी है सो पूरी हो रही है। शंकर जी बोले यह बताओ इस बालक को उम्र तुमने दी है कि हमने? यमराज बोले आपने। तो कहा इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोले कि सरकार का हिसाब सुनना चाहते। शंकर जी बोले सुनो, क्रमशः कलयुग त्रेता द्वापर त्रेता सतयुग एक एक युग से बड़े हैं। सतयुग सबसे बड़ा है और ये युग एक बार हो जाए तो मनवंतर कल्प। और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन के महीने बना और मासों के पुण्य वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने कहा कि प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे? और वह बालक अमर हो गया। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता और वे यशस्वी ब्राह्मण पुत्र ही ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि मार्कंडेय।